अगर आप फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। एज ए फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर आपकी इनकम ऊपर नीचे होती रहती है, यानी कि एक फ्रीलांसर की इनकम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। सो किसी मंथ आपकी लाखों हो सकती है और किसी मंथ आप हज़ारों में खेलते हैं गेम। सो सम मंथ्स आर बिजी विद वर्क और अदर्स आर वेरी ड्राई। सो द क्वेश्चन इज़ कि आप अपनी अर्निंग को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, मसलन आप कौन सी ऐसी और चीज़ें ऐड करें अपनी करियर में, डिज़ाइन करियर में, कि आपकी जो अर्निंग है वो जो टारगेट आपने मंथली डिसाइड किया होता है वो अचीव हो सके। तो मैं आपको कुछ और अर्निंग सोर्सेज बताता हूँ जिनके ज़रिए आप मज़ीद पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अलावा जो नंबर वन सोर्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है जी सेल ए डिजिटल प्रोडक्ट। कुछ वेबसाइट्स आपको अलाउ करती हैं कि आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स को अपलोड करें, ठीक है, और सेल करवाएं वहाँ पर, ठीक है, यानी आप सेल करके वहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो आप लोगो डिज़ाइन के टेम्पलेट्स बनाकर इन वेबसाइट्स पर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह फ्लायर्स हैं, बिजनेस कार्ड हैं, सोशल मीडिया के बैनर्स हैं, वर्डप्रेस के थीम्स हैं जिनको आप डिज़ाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपलोड करके सेल कर सकते हैं। इसके अलावा टी शर्ट डिज़ाइंस हैं और फॉन्ट्स भी अगर आप बना सकते हैं तो फॉन्ट्स भी बनाकर आप वहाँ पर अपलोड करें और सेल कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर मैं खुद काम करता हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि आप अगर स्टार्ट करना चाहें तो इन वेबसाइट से स्टार्ट करें। तो उनमें से है एक creativemarket.com, graphicriver.net, freepik.com, thehungryjpeg, ink.com और etsy.com। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन दीज वर माई फेवरेट, तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में रिकमेंड किया है। तो नंबर टू पे जो सोर्स लेके आए वो कॉन्टेस्ट हैं। यू शुड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट। जब फ्रीलांस वर्क नहीं मिल रहा हो या आप लोगों का दिल नहीं कर रहा कि अब बिडिंग करनी है तो आप अपनी स्किल को इन वेबसाइट्स के ऊपर आजमा सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के कॉन्टेस्ट होते हैं, मुकाबले होते हैं जिनमें लोगोज, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, वेबसाइट डिज़ाइन, पैकेजिंग, टी शर्ट डिज़ाइन, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, ऑलमोस्ट हर किस्म का डिज़ाइन वहाँ पर कैटेगरी मौजूद है। आप यू जस्ट नीड टू पॉलिश योर स्किल, अपनी स्किल जो भी आपके अंदर चीज़ अच्छी बनाने की स्किल है वो लेके जाएं, सिंपली साइन अप करें और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें। तरीका ये होता है कि एक कस्टमर आता है इस वेबसाइट के ऊपर और वो कॉन्टेस्ट पब्लिश करता है। कॉन्टेस्ट पब्लिश करने के बाद जो डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी एंट्री सबमिट करवाते हैं। सो कॉन्टेस्ट होल्डर की मर्जी होती है कि वो किसको विनर पिक करे। आफ्टर पिकिंग अ विनर वो अमाउंट जो डिसाइडेड होती है, यानी कि जो प्राइज होता है, वो विनिंग जो डिज़ाइनर होता है उसको हैंड ओवर कर देता है और उससे फाइल्स ले लेता है। अब इन वेबसाइट्स में जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो है 99designs.com, crowdspring.com और designcrowd.com। करना ये है कि आपने जस्ट साइन अप करना है इसमें और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और जितने कॉन्टेस्ट वो आपको अलाउ कर रहे हैं एज ए बिगिनर उनमें पार्टिसिपेट करें। याद रखिएगा कि स्किल बहुत मैटर करती है। अगर आपके डिज़ाइन हाई क्वालिटी नहीं है तो वो आपको within days बैन कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस अगर आप मंथ में दो कॉन्टेस्ट भी विन करते हैं तो आप कम से कम $300 तो कमा सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके ही इस वेबसाइट्स पर आपने पार्टिसिपेट करना है, अदरवाइज बैन हो जाएंगे। ओके, जो थर्ड सोर्स है अर्निंग का ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए वो है कि आप अपना कोर्स बनाएं या ऑनलाइन ट्रेनिंग देने शुरू कर दें, ठीक है, टीचिंग करें। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, सच एज यू आर अ लोगो डिज़ाइनर और आप अच्छी ग्रिप रखते हैं लोगो डिज़ाइनिंग में और आप ये भी समझते हैं कि आप उसको लोगों तक अच्छा टीच करके पढ़ा सकते हैं, यानी कि उनको अपना जो स्किल है कन्वे कर सकते हैं, तो आप अपनी कोर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगो डिज़ाइन प्रोसेस का स्टार्ट टू एंड प्रोसेस जो है वो सारा रिकॉर्ड करके, यानी एक कोर्स की शक्ल में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह आप अपनी ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ लोग
ऑनलाइन उस्ताद ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिनसे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, या आपको बैनर बना के कुछ फेसबुक के ग्रुप्स में छोड़ दें कि यू आर स्टार्टिंग ए ऑनलाइन सेशन, या कोई ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी थोड़ी बहुत फीस रख लें, या मुनासिब फीस रख के आप उसको पैसे कमा सकते हैं। सो ये पार्ट टाइम हो जाएगा, यानी कि आप फ्रीलांसिंग के अलावा भी आपको ये एज ए बोनस मिलेगा। सो एक तो घंटे निकाल लें, आप क्लास लें रोज की, और अच्छे खासे पैसे भी आप सेपरेटली कमा सकते हैं। सो कुछ वेबसाइट्स के नाम हैं जहाँ पर आप कोर्सेज बनाकर सेल कर सकते हैं, या अपने लेसन्स को बकायदा कुछ एक घंटे का, दो घंटे के लेसन्स को भी आप सेल कर सकते हैं, या 15 मिनट का भी लेसन है तो उसको भी सेल कर सकते हैं। सो उन वेबसाइट्स में है, जो मेरी फेवरेट है, udemy.com, एंड सेकेंड पे आती है skillshare.com, और थर्ड पे आती है teachable.com। नंबर 4 पे जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो है जी YouTube चैनल। यस, यू कैन स्टार्ट ए YouTube चैनल। आप YouTube चैनल स्टार्ट करें, लोगों को फ्री नॉलेज दें, ट्यूटोरियल्स बनाएं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑडियंस बिल्ड करें, टारगेट रखें कि आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करें, देन यू कैन सेल योर सर्विसेज टू देम। इसके अलावा आप अपने कोर्सेज बनाकर सेल कर सकते हैं उनको, डिजिटल जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अलग से स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ भी मिलना शुरू होती हैं। मिसाल अगर आपने अक्सर डिज़ाइनर्स की वीडियोज़ देखी हों या यूट्यूबर्स की, तो वो आपको बताते हैं कि ये जो वीडियो है स्पॉन्सर्ड बाई दिस वेबसाइट और या स्पॉन्सर्ड बाई दिस प्रोडक्ट या कंपनी। तो आप भी जो है अपने YouTube का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह स्पॉन्सर वीडियोस पकड़ सकते हैं अगर आपके पास अच्छी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है। सो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो मैंने एक ग्लिच इफेक्ट वाला ट्यूटोरियल बनाया था, आप जाके मेरे वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। सो उसमें किसी बंदे ने विजिट किया, वो देखी मेरी वीडियोज और मुझे कॉन्टेक्ट किया आई थिंक फेसबुक के थ्रू कि मेरे पास 3 इमेजेस हैं और आप मुझे ये इफेक्ट जो है जो आपने बनाया है उन पे लगा के दे दें, आई विल गिव यू एन हैंडसम अमाउंट, आई विल गिव यू हैंडसम अमाउंट। तो मैंने कहा ठीक है ओके, मैंने तीनों इमेजेस को ग्लिच इफेक्ट लगाया और उसने मुझे $250 पे किए इस चीज़ के। तो ये वाकई वर्क करता है। इसके अलावा मेरा एक और भी चैनल है जिसमें मैं सिर्फ लोगो डिज़ाइन के स्पीड आर्ट यानी कि स्पीड अप प्रोसेस अपलोड करता हूँ, और उसके जरिए भी मेरे ऑर्डर शो आ जाते हैं कभी कभी, यानी कि वहाँ पर भी लोग मेरी ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं और वो लोगो डिज़ाइन का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चैनल कैसे स्टार्ट करें, यानी कि ना माइक है मेरे पास, ना वीडियो के लिए कोई कैमरा है, ना कुछ स्टैंड है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे हम कैमरा वगैरह फिट कर सकें, या कौन सा माइक यूज़ करें। सो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप बहुत सारा पैसे लगाना शुरू कर दें। सिर्फ 2000 रुपये में एक माइक आता है, बोया M1, वो ज़बरदस्त माइक है, मैं भी वही अक्सर यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा अगर आपने वीडियो स्टार्ट करनी है, यानी वीडियो वाले ट्यूटोरियल बनाए जिसमें आप अपना फेस कैम या शो करवाना चाहते हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार से आपको 250 से लेकर 600 तक एक अच्छा कैमरा स्टैंड मिल जाएगा, यानी ये स्मार्टफोन्स के लिए, वो आप ले लें, आप सामने रखें और अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करें और अपलोड कर दें यूट्यूब पर। अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत है रेलिवेंट टू YouTube, तो आप मुझे Instagram के ऊपर DM कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। एक और अर्निंग सोर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, उसे हम कहते हैं जी एफिलिएट मार्केटिंग। वैसे तो एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, लोग हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं उसके ज़रिए, लेकिन हम इसको डिज़ाइन फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट्स लाइक क्रिएटिव मार्केट, ग्राफिक रिवर, और ऐसी और भी साइट्स जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग या प्रमोशन की भी ऑफर देते हैं, यानी कि वहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको अपनी प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं होती, मसलन आप किसी और की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। सो हाउ डिज़ाइनर्स कैन पार्टिसिपेट इन एफिलिएट मार्केटिंग, तो आपने क्या करना था, किसी और डिज़ाइनर की प्रोडक्ट को पकड़ के एफिलिएट लिंक जो उसका आपका अवेलेबल होता है उसको रख के प्रमोट करना होता है अपने ऑडियंस में या जो भी आपके पास फॉलोअर्स हैं, और अगर तो उनमें से कोई बाय कर लेता है, यानी कोई कस्टमर उस लिंक के जरिए बाय कर लेता है, तो जो अमाउंट बाय करता है, यानी कि जो उसको उसकी जो अमाउंट होती है, जो प्राइसिंग होती है, उसका फिर आपको कमीशन मिलता है। सो द बेस्ट वे टू प्रमोट एफिलिएट लिंक्स इज़ टू क्रिएट अ ब्लॉग। आप ब्लॉग स्टार्ट करें, लोगों को
डिज़ाइन के रेलिवेंट आर्टिकल्स लिखें, लोगों तक टिप्स दें, ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब का वीडियो अगर देखा हो, कई लोग टिप्स देते हैं, इधर आर्टिकल्स भी देखे होंगे। सो उन आर्टिकल्स के थ्रू आप अपने लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स बन सकता है। और भी बहुत से सोर्सेज हैं जिनके जरिए एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं इस पर मैं खुद काम कर चुका हूँ और इस और करंटली कर भी रहा हूँ, और इस वजह से मैंने इस वीडियो में उन्हीं वेबसाइट्स का बताया। आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से कुछ वेबसाइट्स को मैं प्रॉपर डिस्कस करूँ, ठीक है, उनके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊँ, आपको सिखाऊँ कि इसके ऊपर काम कैसे करना है और सेल्स कैसे ज़्यादा जनरेट करनी है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो डिज़ाइन अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।